इस वीडियो में हम आपको पेटीएम के बारे में एकदम इजी टू यूज़ जो कि एकदम ज़रूरी है वो फीचर आपको बताते हैं कि अगर वो हम नहीं जानते तो हम फिर पेटीएम को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं पर वो इतने ज़रूरी नहीं है कि हम इतने यूज़ करते हैं। तो हम आपको सिंपल पैसे का लेन देन कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। पेटीएम आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में होता है। एंड्रॉयड के लिए हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और आईफोन के लिए हम ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे। जब हम पेटीएम ये ऐसा इसका आइकन आता है, इस पेटीएम को जब हम डाउनलोड कर लेंगे ये हमसे हमारी डिटेल्स मांगेगा, हम वो सब फिलअप कर देंगे। फिर ये हमारा आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ भी मांगता है और फिर हमारी केवाईसी होती है नो योर कस्टमर, और वो जब वैलिड पूरा कंफर्म हो जाता है उसके बाद ही हम पेटीएम ऐप से कोई भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो वो सब प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाता है तो हम अपना जब पेटीएम खोलते हैं इस तरह से अपना पेटीएम खुलेगा। अब पेटीएम में देखिए सबसे ऊपर आता है पे, फिर है यूपीआई मनी ट्रांसफ़र, एड मनी। एड मनी से हम अपने पेटीएम वैलेट में कोई कितना भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। ये हम प्रोसीड करेंगे तो हम ये हम नेट बैंकिंग में ले जाएगा, ऑप्शन आएगा सारे बैंकों के, या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी भी तरह से हम अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। जो भी अमाउंट हम लिखेंगे उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पे। अगर हमको डायरेक्ट किसी को पैसे पे करने हैं तो क्यूआर कोड से भी हम लोग पैसे पे कर सकते हैं। ये देखिए बहुत जगह दुकानों में अपने जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे क्यूआर कोड लिखा हुआ रहता है, तो हम इस तरह से खोल के वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और या अमाउंट डाल देंगे तो उनके पैसे पे हो जाएंगे। और या अगर हमारे पास किसी का मोबाइल नंबर है तो हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल के पैसे पे कर सकते हैं। हम जितनी बार भी किसी से पैसे का लेन देन करते हैं उनके देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स अपने आप फीड हो जाता है अगर वो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। तो इस तरह से हम किसी को भी पैसे पे कर देंगे। फिर हम जाते हैं बैंक जाते हैं, ये एड मनी हो गया। फिर ये देखिए पासबुक, इससे हम अपना अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं। ये अभी मेरे पेटीएम में 9.55 रुपीज़ है तो, और ये मैं देख सकती हूँ इसके डिटेल्स भी। ये रिक्वेस्ट स्टेटमेंट है, मुझे अगर जो भी अमाउंट यहाँ पे है वो बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। इस तरह से मैं जो भी चाहिए कर सकती हूँ। ये मैंने जो भी एक्टिविटीज़ की है या पैसे जो भी आए गए सारे इसमें पासबुक में टोटल सारे डिटेल्स हमको मिल जाते हैं। हम पेटीएम से तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अपना डीटीएच पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कहीं भी कोई भी लेन देन हम पेटीएम ऐप के द्वारा कर सकते हैं।